जय जिनेन्द्र। अयोध्या में सभी जगह खुशियां छाई हुई थी क्योंकि राम लक्ष्मण और सीता वनवास काल पूरा करके अब अयोध्या जो लौट आए थे। और अब राम और लक्ष्मण सभी को अपना मनचाहा राज्य क्षेत्र का काम सौंप रहे थे। राम ने अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न से पूछा कि तुम्हें कौन सा राज्य चाहिए? तुम चाहो तो पोदनपुर ले लो, या राजगिरी ले लो, या आधी अयोध्या ही ले लो। मगर शत्रुघ्न ने मथुरा चुना। राम ने कहा, शत्रुघ्न, तुम्हें पता है मथुरा का राजा मधुसुंदर है। उसके पास एक विशेष अस्त्र यानी वेपन है, शूल रतन। यह अस्त्र युद्ध में हजारों योद्धाओं को मारकर राजा मधु के पास वापस चला जाता है, और राजा मधु का पुत्र भी बहुत ताकतवर है। शत्रुघ्न, क्या अभी भी तुम मथुरा का राज्य चाहते हो? शत्रुघ्न ने कहा, हाँ भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेला ही युद्ध जीत कर मथुरा राज्य प्राप्त कर लूंगा। यदि मैं युद्ध में मधु को मधुमक्खी के छत्ते की तरह नहीं तोड़ डालूं, तो मैं भी राजा दशरथ का पुत्र नहीं। शत्रुघ्न की बात सुनकर राम ने कहा कि तुम एक बात का ध्यान रखना, जब राजा मधु के पास शूल रत्न वो स्पेशल वेपन ना हो, तभी तुम आक्रमण करना। बड़े भैया राम की आज्ञा को शत्रुघ्न ने सहर्ष स्वीकार यानी विलिंगली एक्सेप्ट किया। फिर उसने पंच परमेष्ठी, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु को नमन किया। फिर माता के पास गया और उनसे विजयी होने का आशीर्वाद लिया। सभी परिजनों से आज्ञा लेकर शत्रुघ्न शस्त्रों से सुसज्जित सेना को लेकर अयोध्या से निकल पड़ा। राम ने अपने सबसे विश्वसनीय और बलशाली सेनापति को शत्रुघ्न के साथ भेजा। लक्ष्मण ने भी शत्रुघ्न को धनुष और शक्तिशाली बाण दिए। मथुरा नगरी के बाहर पहुंचकर शत्रुघ्न ने अपने गुप्तचरों को राजा मधुसुंदर के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। सारी इन्फॉर्मेशन लेकर गुप्तचरों ने आकर शत्रुघ्न को बताया कि इस समय राजा मधु अपनी पत्नी के साथ बगीचे में हैं, और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आप उनसे युद्ध करने के लिए या मथुरा में आए हुए हैं। राजा मधु के बारे में जानकर शत्रुघ्न ने सोचा, आक्रमण करने का यही सही समय है। आधी रात बीत जाने पर साथ में लाए हुए 1,00,000 घोड़ों के साथ शत्रुघ्न ने मथुरा में प्रवेश किया। मध्य रात्रि में अचानक हमला होने से सारी प्रजा भयभीत हो गई। शत्रुघ्न ने अपनी पावरफुल और बलशाली सैनिकों के साथ राजा मधु के महल का प्रवेश द्वार तोड़ दिया और महल में प्रवेश किया। मथुरा पर आक्रमण के समाचार मिलते ही राजा मधु ने महल में आने की कोशिश की, लेकिन शत्रुघ्न ने राजा मधु को महल के अंदर नहीं आने दिया। इस कारण जो राजा मधु का शूल रत्न अस्त्र था ना, वह उसे नहीं मिल पाया। फिर क्या हुआ? घमासान युद्ध हुआ। शत्रुघ्न का सेनापति शत्रु की सेना के बीच घुस गया। तभी राजा मधु का पुत्र शत्रुघ्न के सेनापति के सामने आया। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे के रथों को तोड़ दिया। अब दोनों हाथी पर बैठकर युद्ध करने लगे। दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। राजा मधु के पुत्र ने सेनापति पर बाण छोड़े तो सेनापति ने अपने बाणों से राजा मधु के पुत्र का कवच तोड़ डाला। अपने बेटे के सुरक्षा कवच को टूटता देखे राजा मधु बहुत क्रोधित हो गए। बदले में उन्होंने सेनापति पर अनेक अस्त्रों का यानी वेपन्स का प्रहार किया, लेकिन सेनापति जी इस बार भी बच गए। उन्होंने शक्ति नाम के अस्त्र का ऐसा प्रहार किया कि उसके वार से राजा मधु का पुत्र नहीं बच पाया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी राजा मधु बहुत क्रोधित होने लगे और गुस्से में सेनापति को मारने के लिए उसकी तरफ भागे।
लेकिन बीच में ही शत्रुघ्न ने अपने बाणों के प्रहार से उन्हें रोक लिया और राजा मधु के साथ युद्ध करने लगे। राजा मधु ने शत्रुघ्न के रथ की ध्वजा काट डाली। शत्रुघ्न ने भी राजा मधु के रथ और घोड़ों को बाणों से छेद दिया। राजा मधु हाथी पर आ गए। शत्रुघ्न ने शीघ्र ही उसके सुरक्षा कवच को छेद दिया। युद्ध करते करते बहुत समय बीत गया। चारों ओर वीर गति को प्राप्त हुए यानी डेड सैनिक ही सैनिक दिखाई दे रहे थे। तब राजा मधु सोचने लगे, मेरे पास शूल रत्न अस्त्र भी नहीं है और इस युद्ध में मैंने अपने पुत्र को भी खो दिया है। अब तो मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। और राजा मधु मन ही मन पश्चाताप यानी रिपेंट करने लगे कि मैंने तो युद्ध में लड़ाई झगड़े करने में अपना पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया। काश मैं पहले समझ जाता कि हमारा जीवन हर क्षण बहुमूल्य यानी इनवैल्युएबल है और हमारे हर क्षण को धर्म में लगाना चाहिए था। चिंतन करते करते राजा मधु को वैराग्य के भाव आने लगे। उन्होंने सोचा, जो समय बीत गया उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन क्यों ना मैं अपना मरण शांति के साथ करूं? ऐसा विचार करके राजा मधु ने सबसे पहले पंच परमेष्ठियों अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु को नमस्कार किया और फिर अपने आज तक के किए गए सब पापों के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने अपने शेष जीवन के लिए सारी हिंसा का त्याग कर दिया। अपने पापों की निंदा करने लगे। वो आत्मा और पर पदार्थों में भेद विज्ञान करने लगे। उन्होंने मन ही मन सारे परिग्रहों का त्याग कर दिया और हाथी पर बैठे बैठे ही केश लोच करना शुरू कर दिया। युद्ध में लड़ते लड़ते उनके शरीर में बहुत घाव हो गए थे, मगर उन्होंने अपने शरीर का ममत्व यानी मोह भी छोड़ दिया। धीरे धीरे मधुसुंदर के विचारों में परिवर्तन आने लगा। उनके विचार और शुद्ध हो गए। शत्रुघ्न ने जब यह सब देखा तो उसने आके राजा मधु को प्रणाम किया। फिर राजा मधु का मरण शांति के साथ हुआ और वह मरकर तीसरे स्वर्ग में सनत कुमार नाम के देव हुए। तो देखा आपने कैसे राजा मधु को युद्ध भूमि में जीवन का हर क्षण बहुमूल्य लगने लगा। उन्होंने बिना समय गवाए हाथी पर बैठे बैठे ही केश लोच किया और युद्ध भूमि में ही समाधि मरण किया। आप भी अपने जीवन के एवरी मोमेंट को, हर क्षण को धर्म के कार्य में, अच्छे कार्य में लगाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बनाएंगे ना? जय जिनेंद्र।